जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोचेस्टरशायर वर्सेस हैम्पशायर T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन शाम के 7 बजे स्टार्ट होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 11 जून को ग्लोचेस्टरशायर वर्सेस ससेक्स के बीच में मैच हुआ था। तो अपन ने दोस्तों इस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो पिच है ना काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल की, ये दोस्तों यूज्ड पिच यहाँ पे रहने वाली है और यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। अब देखो आमतौर पर ना जो पिच होती है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल की, ये दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है। प्लस यहाँ पे ना जब भी मैच होता है दोस्तों विकेट्स बहुत गिरते हैं, तो यहाँ पे बॉलर्स को भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ता है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के ऊपर ये दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 3 मैचेस खेले हैं और यहाँ पे दोस्तों हैम्पशायर 2-1 से आगे है। और दोस्तों ये होम ग्राउंड है किसका, काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल ग्लोचेस्टरशायर का। तो यहाँ पे दोस्तों आज तक ना ग्लोचेस्टरशायर ने 87 मैचेस खेले हैं और यहाँ पर 39 मैचेस जीते हैं। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना जिस टीम ने बैट फर्स्ट करा है 3 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ लास्ट 6 गेम्स, और जो टीम दोस्तों पिचेस करती है उसने यहाँ पे 3 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ लास्ट 6 गेम्स। एवरेज स्कोर 150-180 आपको बनता हुआ दिखेगा। अब ध्यान देना है लास्ट 6 मैचेस के अंदर दोस्तों स्वनी के ऊपर क्या हुआ था। पेसर्स ने मतलब तेज गेंदबाजों ने 61 विकेट्स निकाले, पहली पारी के अंदर 29 विकेट्स है, सेकंड इनिंग्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे 32 विकेट है। अब देखो किस टाइप के दोस्तों बॉलर्स यहाँ पे विकेट निकालते हैं। राइट आर्म पेसर्स यहाँ पे 45 विकेट्स है और दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर्स यहाँ पर 16 विकेट है। अब ध्यान देना आपको स्पिनर्स की बात करते हैं तो लास्ट 6 मैचेस के अंदर ना स्पिनर्स ने यहाँ पर 23 विकेट निकाले हैं, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 10 विकेट है, सेकंड इनिंग्स के अंदर दोस्तों 13 विकेट है। देखो किस टाइप के स्पिनर्स यहाँ पर विकेट निकालते हैं, ऑफ स्पिनर्स के 6 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 1 विकेट है और दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे देख रहे हो 16 विकेट है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के। अब देखो जो लास्ट मैच हुआ था ग्लोचेस्टरशायर वर्सेस ससेक्स का 11 जून को, उस मैच के अंदर ना 10 विकेट यहाँ पे तेज गेंदबाजों ने निकाला था और दोस्तों 2 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। और यहाँ पे दोस्तों क्लाउडी वेदर रहेगा मेरे हिसाब से, दोस्तों आपको पता ही है इंग्लैंड के अंदर दोस्तों करीबन 1 वीक से ना वेदर फोकस ऐसी चल रही है। ये आप देख सकते हो दोस्तों खुद जाके गूगल के ऊपर, मैंने भी चेक करा था वीडियो बनाने से पहले, जैसे मैं हर बार करता हूँ। इंग्लैंड के टाइम के अनुसार ना ये मैच 1:30 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, 2:30 बजे के आसपास टाइमिंग, ठीक है। आप खुद जानते हो जो इंग्लैंड की टाइमिंग है ना अपने से 5.5 घंटे पीछे है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों 2-3 बजे के आसपास मैच स्टार्ट होगा और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे रेन ही दिखा रहा है लाइट रेन करके। अपन एक्सपेक्ट करेंगे यार पूरा मैच हो, अपन तो यार हर बार मेहनत करते हैं, फिर दोस्तों को तो मतलब यार भगवान के हाथ में चीज़ें हैं, बस अपन अपनी मेहनत कर सकते हैं। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों कोई भी फाइनल टीम्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी दोस्तों आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। कैसे जुड़ना टेलीग्राम से, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप जुड़ सकते हो दोस्तों, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हो जिसको पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन। न्यूज़ की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर ग्लोचेस्टर की तरफ से रियान हिगिंस अवेलेबल है, जेम्स ब्रैसी दोस्तों अवेलेबल है, डैनियल वॉरेल दोस्तों अवेलेबल है, उनके ओवरसीज प्लेयर डैनियल वॉरेल और ग्लेन फिलिप्स है। हैम्पशायर की बात करते हैं तो दोस्तों लोगों ने स्क्वाड के अंदर टॉबी अलर्ट और यहाँ से रियान स्टीवनसन को बुलाया है, वहीं स्कॉट करी सैम नॉर्देस्ट को बाहर करा है, डार्ची शॉट काइल वर्जेसन के ओवरसीज प्लेयर है। अब देखो यहाँ पर जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब क्या होता है, दोनों टीम्स ने आपस में 10 मैचेस खेले, हैम्पशायर दोस्तों 7 बार जीती है, ग्लोचेस्टरशायर 2 बार जीती है और 1 बार इनके बीच में जो मैच हुआ था ना तो अबैंडनड हो गया था बारिश के कारण। लाइनअप्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है जो मेल सैमंड है जो दोस्तों ओपन करते हैं क्रिस डेंट के साथ, ये दोनों लेफ्टी हैं, 1 डाउन आते हैं यहाँ से यान कोकबेन, फिर आते हैं ग्लेन फिलिप्स, राइट ही बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है। अगर दोस्तों यहाँ पे जेम्स ब्रैसी खेलते हैं तो ग्लेन फिलिप्स दोस्तों कीपिंग नहीं करेंगे और ये बॉलिंग भी करा सकते हैं अगर जेम्स ब्रैसी दोस्तों खेलते हैं तो प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं तो। पर ये दोस्तों आई थिंक प्लान्स के अंदर नहीं है क्योंकि ये थोड़े से टेस्ट मैच टाइप प्लेयर है। फ्रैंक यहाँ से रियान हिगिंस राइट ही बैट्समैन राइट मीडियम, जैक टेलर कैप्टनसी कर रहे हैं राइट ही बैट्समैन है, डैनी होवल राइट ही बैट्समैन राइट मीडियम फास्ट, डैनियल वॉरेल आएंगे राइट एम फास्ट मीडियम है और टॉम स्मिथ डेविड प्लान है जोशो। चलते हैं दोस्तों किसकी तरफ, हैम्पशायर की तरफ। तो यहाँ पे जेम्स विंस ओपन करते हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं डार्ची शॉट के साथ, टॉम ऑल्सो 1 डाउन और यहाँ से दोस्तों टॉबी अलर्ट भी आ सकते हैं 1 डाउन बैटिंग करने के लिए इस मैच के अंदर। जो वेदरली 2 डाउन
लियम डॉसन जो दोस्तों इंग्लैंड के स्क्वाड के अंदर सिलेक्ट हुआ, आपको बता रहेगा टी ट्वेंटी प्लस ओडीआई के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट में जो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जेम्स फुलर, लुइस एम्जेमोनस, क्रिस वुड, मैसन ग्रेन, काइल एबॉट, फिर आएंगे यहाँ से ब्रैडली वेल। जब आपको ध्यान देना है गिव अवे किसके ऊपर है, डार्ची शॉट के ऊपर। आपको लिखना है हैशटैग स्टैट्स गुरुजी और आपको बताना दोस्तों यहाँ पर कि डीएस डार्ची शॉट कितने रन बनाएंगे। और दोस्तों जो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं यार, उनको क्या करना है, जो सब्सक्राइब का बटन होता है ना उसके जस्ट बगल के अंदर होता है बेल बटन, ठीक है, आपको उस पर क्लिक करके अल पे क्लिक कर देना। ऐसे क्या होगा दोस्तों, जैसे वीडियो अपलोड होगा ना तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा थ्रू द नोटिफिकेशन। जो लोग बोल रहे दोस्तों यार आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप कर सकते हो काम। प्रैक्टिस मैचेस स्टैट्स दोस्तों आप इनको समझ सकते हो बारीकी से, प्रैक्टिस मैचेस में क्या हुआ था इसके अंदर। देखो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी समझाया कि ग्लोचेस्टर की तरफ से प्रैक्टिस मैचेस के अंदर क्रिस डेंट अच्छे फॉर्म में थे और दोस्तों ग्लेन फिलिप्स अच्छे फॉर्म में थे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनी हॉवल थोड़े से आउट ऑफ टच थे और टॉम स्मिथ भी दोस्तों आउट ऑफ टच थे। डेविड वार्नर दोस्तों फॉर्म में थे, तो आप इनका देख सकते हो। अब हैम्पशायर की बात करते हैं तो न्यू प्लेयर कौन है, टॉबी अलर्ट। तो इसमें देखो प्रैक्टिस मैचेस में क्या करा था, जीरो रिसेंटली, 43, 2, 105 और 14। आई थिंक रिसेंटली दोस्तों 105 और 14 था इसने, 14 तो कुछ दो तीन दिन पहले बनाया था, 105 दोस्तों ने कुछ 14 जून को बनाया था। तो ये प्लेयर दोस्तों ठीक ठाक है। अब चलते हैं आप इसकी तरफ, जब दोनों टीमें आपस में खेलती तब क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेट्स है तो आपको ध्यान देना है। जब ग्लोचेस्टरशायर की तरफ से मेल्स हेमंद खेलते हैं किसके अगेंस्ट में, हैम्पशायर के अगेंस्ट में, तो दो मैचेस के अंदर 11 करा है बैट फर्स्ट, 6 करा है दोस्तों वाइल्ड चेसिंग। क्रिस डेंट 3 मैचेस के अंदर 29 की एवरेज, 88 रन है, हर बार इसने वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट मतलब चेस करते हुए 63-23-2। यान कॉकबेन आएंगे यहाँ से, 7 मैचेस में 10 की एवरेज, 63 रन है, बैट फर्स्ट 5-3, बैट सेकंड 24-10-8-7-6 नॉट आउट। ग्लेन फिलिप्स आएंगे यहाँ से, इन फॉर्म बहुत ही बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, सब जानते हैं ऑकलैंड से बिलोंग करता है प्लेयर, न्यूजीलैंड का प्लेयर है, दमखम दोस्तों रखता है, पेस को जानता है क्योंकि दोस्तों जो पिच होती है इंग्लैंड के अंदर वो थोड़ी सी मिलती जुलती न्यूजीलैंड से होती है। अरियान हिगिंस 8 मैचेस के अंदर 14 की एवरेज है, 88 रन है, 5 विकेट है, हेड टू हेड मैचेस के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है विद द बैट, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर अच्छा करा 31-31-73 और अपन कह सकते हैं उसके 5 विकेट है। और ये जो 5 विकेट निकाले थे ना इसने, इसने सीधा 5 विकेट हॉल निकाला था, मतलब एक ही मैच के अंदर सीधा 5 विकेट निकाला और बाकी के इसने 7 मैचेस के अंदर कुछ नहीं करा था, मतलब कुल मिला के इसने 8 मैचेस खेले ना हैम्पशायर के अगेंस्ट में, उसमें से सिर्फ इसने एक ही मैच में विकेट निकाला था 5 और बाकी के 7 मैचेस में विकेट लेस गया था। आएंगे फिर यहाँ से जैक टेलर, 5 मैचेस के अंदर 5 रन है, 3 मैचेस के अंदर इसकी बैटिंग आई थी। बैनी होवल का 4 मैचेस में 132 रन है, 4 विकेट है, बैट फर्स्ट 26-25, बैट सेकंड 50-31 नॉट आउट है और बॉलिंग से 4 विकेट, 1 मैच के अंदर विकेट लेस गया है। डैनियल वॉरेल इस टीम के अगेंस्ट में नहीं खेला अभी तक और दोस्तों बिग बैश लीग के अंदर बहुत अच्छे फॉर्म में थे, इवन जो लास्ट मैच था उसके अंदर अच्छी बॉलिंग कराई थी, वहाँ पे एक दो कैचेस ड्रॉप हुए थे, स्पेशली इयान मॉर्गन का अगर आपको याद होगा तो पॉइंट्स की तरफ कैच हुआ था एक, तो वो कैच भी ड्रॉप हो गया था, वरना इसके 2 विकेट थे उस मैच के अंदर। टॉम स्मिथ का 11 मैचेस में 9 विकेट है, 4 मैचेस के अंदर विकेट लेस गए हैं। डेविड पियाने 5 में 5 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लेस गए हैं। जेम्स ब्रैसी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नहीं खेला, ग्रेम ब्रेन ने भी दूसरे टीम के अगेंस्ट में नहीं खेला है, मैट टेलर दोस्तों यहाँ पर एक मैच में दो है और मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में डालेंगे डैनियल वॉरेल, डेविड पियाने, जोशुआ डेथर में दोस्तों डेविड पियाने, बैनी हॉवेल, रियान हिगिंस, डैनियल वॉरेल। चलते हैं हैम्पशायर की तरफ, सबको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो जेम्स विंस है ना जब खेलते हैं ग्लोचेस्टरशायर के अगेंस्ट में 9 मैचेस के अंदर 35 की एवरेज है, 284 रन है, हाई 77, 30+ 5 बार करा है, बैट फर्स्ट 77, 39-32, 11-90, बैट सेकंड 48 ऑन टॉट 42-26। डार्ची शॉट आएंगे यहाँ से, इस टीम के अगेंस्ट में नहीं खेला है लेकिन दोस्तों जो प्लेयर है ना डार्ची शॉट ये तगड़ा प्लेयर है, पूरा वर्ल्ड दोस्तों उस प्लेयर को जानता है, कितना बेहतरीन बैट्समैन है ये, बॉल को टाइम करना पसंद करता है, क्लासिकल प्लेयर है। टॉम अल्सोप एक मैच के अंदर इस टीम के अगेंस्ट में ग्लोचेस्टर के अगेंस्ट में वाइल्ड चेसिंग करते हुए 0 पर नॉट आउट रहा था, जो बदली दोस्तों उस टीम के अगेंस्ट में नहीं खेला लेकिन फॉर्म बहुत अच्छा है, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं मतलब करीबन एक साल से, क्लासिकल प्लेयर है, शॉट्स अच्छे मारता है, ड्राइव देख लो उस प्लेयर के दोस्तों बहुत अच्छे मारते हैं, स्पेशली कवर ड्राइव्स वगैरह और अलोंग द ग्राउंड मारता है दोस्तों, ये देख के अच्छा लगता है, हवे में ज़्यादा हवाई फायर दोस्तों ज़्यादा नहीं करते हैं। लियम डॉसन 5 मैच के अंदर 3 विकेट हैं, 29 विद द बैट है, 1 मैच के अंदर विकेट लेस गया था, ठीक है, इसमें 4 ही पारी में आई थी बॉलिंग कराई थी। रहेंगे यहाँ से जेम्स फुलर, 4 मैचेस के अंदर 20 के एवरेज है, 61 रन विद द बैट है, हाइस्ट 33 है और 1 विकेट है।
लुइस एमसीमनस 3 मैचेस में 18 रन्स है। इयान ओरेन का दोस्तों 1 मैच के अंदर 1 रन है और 0 विकेट है। क्रिस वुड का दोस्तों 8 मैचेस में 13 विकेट है और 2 मैचेस के अंदर विकेट लस गया है। मैसन क्रेन का 1 मैच में 2 विकेट है और 1 मैच के अंदर विकेट लस गया है। काइल एबर्ट दोस्तों यहाँ पे 4 मैचेस खेल चुके हैं आज तक ग्लेचेस्टरशायर के अगेंस्ट में और भाई साहब ने आज तक 1 भी विकेट नहीं निकाला है। पर फॉर्म दोस्तों अच्छा है, लास्ट मैच के अंदर इसने वापसी करी थी, 2 विकेट निकाले थे जो क्रुशियल विकेट से क्रुशियल टाइम के ऊपर। ब्रैडली विलिस टीम के अगेंस्ट में नहीं खेला, T20 करियर के अंदर इस भाई साहब का 14 मैचेस के अंदर आई थिंक 15 मैचेस में 14 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर क्रिस वुड, ब्रैडली विल और यहाँ से काइल एबर्ट, डेथ ओवर में क्रिस वुड, ब्रैडली विल और यहाँ से आपको देखेंगे काइल एबर्ट। जब चलते हैं दोस्तों इसकी तरफ, जब भी सोनी के ऊपर मैचेस में तब क्या हुआ है सबको ध्यान देना है स्वैनी के ऊपर ना। मेल सैमंड ने 16 मैचेस में 292 रन्स करा, 18 की एवरेज है और दोस्तों स्वैनी के ऊपर बैट फर्स्ट करते हुए अच्छी नॉक्स के लिए बैट सेकंड के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करा है। क्रिस डेंट आई ने यहाँ से 25 मैचेस के अंदर कह सकते हैं अपन 456 रन्स है, 20 की एवरेज है। यहाँ पे दोस्तों बैट फर्स्ट में भी ठीक करा है, बैट सेकंड के अंदर भी ठीक ठाक करा है। यान कॉकबे नाइन ने यहाँ से 47 मैचेस के अंदर 40 की एवरेज है, 1400 के आसपास रन्स। क्लासिकल प्लेयर है, बस थोड़ा सा फॉर्म दोस्तों कंसर्न था लेकिन लास्ट मैच के अंदर कुछ 60 के नॉक खेल के अपना फॉर्म दिखा दिया था इन्होंने कि दमखम कितना रखते हैं। ग्लेन फिलिप्स आएंगे यहाँ से 1 मैच के अंदर 42 रन्स वाइल बैट फर्स्ट। रियान एगिंस के यहाँ पर 17 मैचेस के अंदर 15 विकेट है, 273 रन्स है। जैक टेलर के यहाँ पर 39 मैचेस के अंदर 527 रन्स है। डैनी वॉल का 34 मैचेस के अंदर 425 रन्स है और 38 विकेट है। ग्रेम इवन बुरेन का 13 मैचेस के अंदर 10 विकेट है, 134 रन विद द बैट है। टॉम स्मिथ का 36 मैचेस के अंदर 37 विकेट है और 12 मैचेस के अंदर विकेट लेस गया है। डेविड पियाने 34 में 40 विकेट, 11 मैचेस के अंदर विकेट लेस है। मैट टेलर 16 में 17 विकेट है। जॉस स्टॉक का दोस्तों यहाँ पे 4 विकेट है 3 मैचेस के अंदर। हैम्पशायर की बात करते हैं दोस्तों, मेहमानी टीम है तो यहाँ पे जेम्स विंस का 42 वाइल्ड चेसिंग, 26 वाइल्ड चेसिंग और 9 वाइल्ड बैट फर्स्ट आया था। लियम डॉसन 3 मैचेस के अंदर 2 विकेट है, 19 रन विद द बैट है। जेम्स फुलर का यहाँ पे 14 मैचेस के अंदर 16 अपन कह सकते हैं विकेट, 85 रन विद द बैट है। और आपको ध्यान देना दोस्तों, जो जेम्स फुलर प्लेयर था ना, ये दोस्तों एक्स प्लेयर है किसका, ग्लोचेस्टरशायर का, तो इसलिए इसने यहाँ पर 14 मैचेस खेल रखे हैं। वरना दोस्तों आप खुद ही जानते हो दोनों टीम्स ने आपस में सोने के बाद तो सिर्फ 3 मैचेस खेले थे। फिर आएंगे यहाँ से लुइस एमसीमनस, 2 मैचेस में 18 रन है, एक ही बार बैटिंग आई थी उसमें 18 की नौ खेली थी बैट फर्स्ट करते हुए। यान ओलेंड 0 रन से नॉट आउट। क्रिस वुड दोस्तों यहाँ पर 3 विकेट है 3 मैचेस के अंदर, 1 मैच के अंदर विकेट लस गया है। मैसन क्रेन दोस्तों 1 मैच के अंदर 2 विकेट है बॉल फर्स्ट करते हुए। काइल एबर्ट का यहाँ पे 2 मैचेस में 0 विकेट है और ये आप देख सकते हो रियान स्टीवनसन का 1 मैच में 0 विकेट है। प्लेयर बैटल की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रही है, आपको ध्यान देना। जेम्स विंस का स्ट्रगल है यहाँ पे किसके सामने, डैनियल वॉरेल के सामने। 39 बॉल के अंदर 29 रन है और 2 बार आउट हुए। और यहाँ से बेनी हॉल के सामने 29 रन से 24 बॉल के अंदर 1 बार आउट हुए। डार्ची शॉट वर्सेस डैनियल वॉरेल, 22 बॉल 19 रन 1 बार आउट हुए। टॉम ऑल्सो यट टू फेस है, जो बदले दोस्तों यट टू फेस है। लियम डॉसन का स्ट्रगल यहाँ पर रियान एगिंस के सामने और टॉम स्मिथ के सामने, दोनों के सामने दोस्तों 1-1 बॉल के अंदर आउट हुए। जेम्स फुलर यट टू बी डिस्टेंस बाय द करंट बॉलर्स। मेल सेमेंट यहाँ पे क्रिस वुड के सामने दोस्तों स्ट्रगल है इनका, 9 बॉल के अंदर 6 रन 1 बार आउट हुए। क्रिस डेंट यट टू बी डिस्टेंस बाय द करंट बॉलर्स। फिर आएंगे यहाँ से यान कॉकबेन, इनका स्ट्रगल है लियम डॉसन के सामने। वैसे भी दोस्तों यान कॉकबेन स्पिन को थोड़ा सा लाइटली खेलते हैं, मतलब अच्छा ही खेलते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं लेकिन दोस्तों कभी कभी हल्के में ना विकेट्स गवा जाते हैं स्पिन के सामने। 3 बॉल के अंदर 2 रन है 1 बार आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स यट टू फेस है। रियान एगिंस का दोस्तों यहाँ पर क्रिस वुड के सामने 6 बॉल में 10 रन 1 बार आउट हुए। मैसन क्रेन के सामने दोस्तों स्लो खेलते हैं, 7 बॉल में सिर्फ 1 रन 1 बार आउट हुए। जैक टेलर वर्सेस मैसन क्रेन, 2 रन 3 बॉल 1 विकेट। कॉमन कैप्टन ग्लेन फिलिप्स, डार्ची शॉट। बड़ी लीग्स में किसको बनाना है दोस्तों, बड़ी लीग्स में आप बना सकते हो डार्ची शॉट को, जेम्स विंस को, बैनी हॉल को, ग्लेन फिलिप्स को। ये 4 दोस्तों एमवीपी प्लेयर्स अपन बोलते हैं उसको, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स। अलग जाना है यान कॉकबेन, रियान एगिंस, डैनियल वॉरेल को दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो। वीडियो पसंद दोस्तों लाइक करके जाना है, फिर आप डिसलाइक कर सकते हो, आपको कभी मना नहीं करूंगा मैं। और दोस्तों कोई भी यहाँ पर फर्दर अपडेट्स आएगी आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो मेरी जो मेरी टीम है ना, यहाँ पर इसके अंदर डार्ची शॉट कैप्टन है, ये दोस्तों यूनिवर्सल कैप्टन है। वाइस कैप्टन बैनी होवेल आप यहाँ पे कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स को भी दोस्तों बहुत तगड़े प्लेयर है, विंस हो गए, ये भी वाइस कैप्टनसी की बहुत अच्छी ऑप्शन है। मेल सेमेंट, क्रिस डेंट, रियान एगिंस आ गए हैं। फिर यहाँ से आएंगे दोस्तों क्रिस वुड, डैनियल वॉरेल को दोस्तों मैं इस मैच में लेके जा रहा हूँ क्योंकि अच्छे गेंदबाज है, नए बॉल को दोस्तों स्विंग कराना चाहते हैं अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रहती, क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहाँ पे बारिश तो हो ही है स्वैनी के ऊपर, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो यहाँ पर ना हवा चलेगी थोड़ी सी। अगर मैच होता है बाई चांस तो दोस्तों डैनियल वॉरेल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और डेविड पियाने, मैसन क्रेन, अलग जाना दोस्तों बड़ी लीग्स के अंदर, ठीक है, रिस्क लेने से नहीं डरना है। तो आई थिंक दोस्तों ग्लेन फिलिप्स एक मात्र है यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। फिर यहाँ से अपन चलते हैं डार्ची शॉट,
जेम्स विंस इंपॉर्टेंट, क्रिस डेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो बदली आप ट्राई कर सकते हो, अगर दोस्तों बारिश होती है मैच शॉर्ट होता है तो जो बदली दोस्तों नीचे बैटिंग करेंगे, आई थिंक जेम्स फुलर हो जाएंगे, लियम डॉसन हो जाएंगे ऊपर बैटिंग करेंगे और जो बदली दोस्तों बहुत नीचे चले जाएंगे। यान कोकेबन क्लासिकल प्लेयर है, मेल सेमन दोस्तों एक हार्ड हिटर बैट्समैन, इसको जरूर ट्राई करना। कोकेबन दोस्तों लास्ट मैच में फॉर्म में आ गए थे, कुछ 80 प्लस पॉइंट्स दिया था यान कोकेबन ने, आप खुद देख सकते हो दोस्तों 88 पॉइंट्स दिया था। फिर यहाँ से बैनी होवल इंपॉर्टेंट, हिगिंस इंपॉर्टेंट है, लियम डॉसन दोस्तों फॉर्म में नहीं चल रहे हैं लेकिन दोस्तों मैच शॉर्ट होता है ना तो पक्का है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं विद द बैट, तो कंफर्म ही करेंगे क्योंकि हार्ड हिटर बैट्समैन है। जेम्स फुलर भी दोस्तों एक हार्ड हिटर बैट्समैन है लेकिन थोड़ा नीचे बैटिंग करते आएंगे। फिर यहाँ से जॉश शॉ, ये प्रमुख गेंदबाज के तौर पर इस टीम के अंदर फॉर्म दोस्तों अच्छा है इस बॉलर का। मैसन ग्रीन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, डेविड वैन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अगर हैम्पशायर बॉल फर्स्ट करती है तो यहाँ पे क्रिस वुड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और अगर ग्लोचेस्टरशायर बॉल फर्स्ट करती है तो मैं डैनियल वॉलर के साथ जाऊँगा, और ब्रैडली को दोस्तों भी आप ट्राई कर सकते हो। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको मिलेगी दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा। और आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि अपन कोई दूसरा मैच भी कवर करें या नहीं करें, आप दोस्तों वेदर फोरकास्ट चेक करना और मुझे कमेंट करके बताना 3-4 मैचेस और भी आज T20 ब्लास्ट के, अपन को कौन सा दोस्तों कवर करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जो मैच बताओगे दोस्तों मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। वेदर फोरकास्ट आप चेक करके बताना मुझको, ठीक है? तो दोस्तों लाइफ में खुश रहें, छोटी सी स्माइल दोस्तों में जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों अगली दफ़ा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।